बाबू साहब बड़े दिनों बाद मिली है श्रीलंका को जीत, वो भी ऐसी वैसी टीम के सामने नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी ऐसी वैसी जीत नहीं, जो सीरीज है ना उसको अपने नाम पे कर दिया। तो श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा जश्न में है क्योंकि बड़ी टीम को बहुत दिन हो गया, अरसा हो गया, हराया नहीं था सीरीज, श्रीलंका ने इस बार वो करके दिखाया, जिसको मतलब पिछले 4-5 सालों से जो श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी है ना इंतजार कर रहे थे, आखिरकार श्रीलंका ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा यार मेरे से कहाँ ऐसी चूक हो गई, जो श्रीलंका जैसी टीम ने मेरे को सीरीज हरा दिया, 4 ODI मुकाबले में बस हम एक जीते, वो भी पहला ODI मुकाबले जीते, उसके बाद 3 के 3 श्रीलंका ने इनको धूल चटा दी। तो ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है यार बड़ी गलती हो गई, चारों तरफ घनी बेइज्जती हो रही है यार, ऑस्ट्रेलिया आपने कैसे खेला, जा यार श्रीलंका जैसी टीम पे हार गया है, शर्म आना चाहिए तुमको ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बेइज्जती हो रही, श्रीलंका को जहां शाबाशी मिल रही है, लेकिन अभी 5वां ODI मुकाबला बाकी है, क्योंकि 5वां मुकाबला तो खेला जाएगा ना, सीरीज का मतलब नहीं है, लेकिन श्रीलंका चाहेगा भैया एक बार और ना ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी जाए, जो अपनी जीत है सीरीज की ना उसको और बड़ा किया जाए। ऑस्ट्रेलिया सोचेगा यार कैसे भी करके ना इस मैच को जीता जाए, जो थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है थोड़ी सी कम हो जाए। तो 5वां ODI मुकाबले में क्या होगा, क्या श्रीलंका फिर से मैदान फतेह बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया को बोलेगा अब ना तुमसे ना हो पाएगा मुझे हराना, या फिर ऑस्ट्रेलिया बोलेगा इस बार तो वापसी करनी है, पलटवार करना है। आप भी ये जानना चाहते हैं ना तो पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देख लें, आपको पता चल जाएगा जो आज का मैच होगा कौन सी टीम कर पाएगी अपने नाम। तो फिर चलो जल्दी से वीडियो की स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो क्या सोच रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, आप सभी का वेलकम है। सभी लोग करते हैं मिलकर वीडियो को लाइक, जब आप लाइक करते तो यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है जान। आप सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा कहते हैं टेलीग्राम पर, मुझे भी जरा बता, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, 2-4 मैचों मेरे साथ काम करना। आप यही बोलोगे अरे यार पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं अभी कौन सा देर हो गई, अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है ना तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाला। दोस्तों अगर हम इस मैच की बात करें, फ्राइडे 24 जून इंडिया टाइम अनुसार 2:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। दोस्तों यह मुकाबला खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। इस मैदान पर अभी तक ODI के 128 मैच खेले गए, जिसमें से टारगेट डिफेंड हुआ 74-74 मैच में और टारगेट चेज हुआ 54-54 मैच में, यानी यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होता है टारगेट डिफेंड होता है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 252 रन टारगेट चेज की बात करें तो 242 से नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 262 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है, 242 से 262 के बीच में स्कोर होगा। आप समझ जाना ये जो मामला है ना बिल्कुल बराबरी का है, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ के मैदान पे जो मैच होते हैं ना ज्यादातर मीडियम स्कोरिंग होते, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना वो ड्राई एंड हार्ड है, जिसकी वजह से होता है क्या, जो स्पिनर गेंदबाज है उनकी बॉल जो होती है ना कभी इधर कभी उधर टर्न करती है, बैट पे ना थोड़ा सा रुक के भी आती है, तो बैटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब जो स्पिनर गेंदबाज है उनके सामने रन बनाना छोड़िए विकेट बचाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना ज्यादा हाई स्कोरिंग देखने को नहीं मिलते, आपको लो स्कोरिंग या फिर मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। अगर हम आज के मैच की बात करें तो मुझे लगता है जो आज का मैच होगा ना 245 से 260 के बीच में टारगेट या 265 के बीच में टारगेट बनने वाला है। और अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रीलंका ने 112 मैच खेला, 112 में से 74 मैच जीता, 38 मैच हारा, यानी श्रीलंका अपने घर कोलंबो के मैदान पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 18 मैच खेला, 18 मैच में से 7 मैच जीता, 11 मैच हारा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस होती है कोलंबो के मैदान पे कुछ खास नहीं होती। श्रीलंका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इन दोनों के बीच में यहाँ के मैदान पे 16 ODI मुकाबलों में आमना सामना हुआ है, जिसमें से श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 10 बार ही मात दी और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सिर्फ 6 मैच जीता श्रीलंका के सामने। तो मतलब इस मैदान पे जो श्रीलंका की टीम है ना ऑस्ट्रेलिया के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस करती है, रिकॉर्ड्स तो यही कह रहे हैं, आंकड़े भी यही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना जो रिकॉर्ड्स होते हैं आंकड़े होते हैं टूट जाते हैं नए रिकॉर्ड्स बनने के लिए। तो करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सी टीम आज के मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली है और जीतने वाली है आज का मैच, चलो हम ना ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका की, अगर हम इनकी प्लेइंग इलेवन की बात करें तो मे बी नोट कोई भी चेंज ना होगा, बिल्कुल सेम प्लेइंग इलेवन के साथ श्रीलंका इस मैच में उतरेगा। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, जो बल्लेबाजी है श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही है। गेंदबाजी की बात करें, जो श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज है ना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को नाच नचा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनके खेमे में शायद कोई भी चेंज ना हो, बिल्कुल सेम प्लेइंग इलेवन के साथ उतरे। अगर हम इनकी बल्लेबाजों की बात करें, श्रीलंका के स्पिनर के सामने ना बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं, रन बनाना छोड़िए स्पिनरों के सामने ना ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज है रन भी नहीं बना पा रहे हैं और उसके साथ साथ विकेट भी नहीं बचा पा रहे। गेंदबाजों की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें, फिलहाल अभी जो श्रीलंका की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से मजबूत नजर आ रही है। वहीं अगर हम इन दोनों
दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच की परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो श्रीलंका ने लास्ट के सिक्स मैच में चार मैच जीता, बस दो मैच हारे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 283 रनों का, दोस्तों 283 बल्लेबाजी एवरेज ओडीआई में काफी ज्यादा बेहतर होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 5.52, दोस्तों ये भी जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना ओडीआई में काफी ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, लास्ट के सिक्स मैच में बस एक मैच जीता, पांच मैच हार गए। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 276 रनों का, 276 ठीक ठाक होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 5.59, दोस्तों ये भी ठीक ठाक होता है, बहुत ज्यादा खराब नहीं कह सकते। वहीं दोस्तों अगर हम इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो 101 ओडीआई मुकाबले इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच में खेले जा चुके हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 37 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 62 मैच जीता और चार मैच नो रिजल्ट है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना वो श्रीलंका से बेहतर नजर आ रही, लेकिन लास्ट फाइव मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका ने 3 और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 मैच जीता। मतलब श्रीलंका ने लास्ट के 5 मैच में जो बाजी है ना वो पलट दी है। तो आज के मैच में क्या होगा, जो आज का मैच है अपने नाम पे कर पाएगी, चलो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। तो सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना 50 टीम श्रीलंका 50 टीम ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो आज का मैच होगा ना टीम श्रीलंका अपने नाम पे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बिन टीम श्रीलंका। लेकिन आपको पता क्रिकेट मैच है कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी प्लेयर को इंजरी होगी, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उस कंडीशन में क्या होता है टीमें बदल जाती है, प्लेइंग 11 बदल जाती है, तो इस कंडीशन में मैच विनर भी बदल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले जो फाइनल प्रेडिक्शन होती है वो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आपके लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना बहुत ही फायदे में, आप सोच रहे हैं अच्छा ऐसा कहते हैं टेलीग्राम पे, तो भाई साहब मेरी मत मानो, आप ना डिस्क्रिप्शन में जाओ टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, 2-4 मैचों में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा। आप ही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं अभी कौन सा देर होगी, अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है ना तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए और आपको पता है जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन ना करें, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।